Hey guys, good evening, नमस्कार, सुसंध्या, कैसे हैं आप सब लोग? बहुत बहुत स्वागत आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल पर। और आज का जो हमारा सेशन है वो है हमारे CA फाउंडेशन के स्टूडेंट्स के लिए, जो लोग दिसंबर एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। और इन दिनों हमारी क्लासरूम क्लास में और साथ साथ हमारी ऑनलाइन वाली क्लास में हम लोग बात कर रहे हैं सोगा पर, यानी सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट पर। तो जितना पोर्शन अब तक हमने कर लिया है अपने क्लासरूम में कवर, आइए उस पर कुछ खास क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आप लोगों के साथ में करता हूं। तो बच्चे लोगों, फटाफट से हम लोग स्टार्ट कर देते हैं, बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत बढ़िया क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है? मोहन सोल्ड गुड्स वर्थ रुपीज 2 लाख टू मुंजा ऑन सेल ऑन अप्रूवल बेसिस। जैसे ही ये आपको नजर आया कि यस सर, सेल ऑन अप्रूवल बेसिस, सर बिल्कुल हमको याद आ गया है कि सेल ऑन अप्रूवल बेसिस बच्चे लोगों हमने किया है। सेक्शन नंबर हमारा कौन सा काम करता है? अरे भाई इसको क्या हुआ, बड़ा नाराज नाराज सा लगता है ये। यहां से मुझे लगता है मुझे थोड़ा सा इसको चेंज करना पड़ेगा। चलिए जी, कर दिया मैंने। तो बच्चे लोगों, सेल ऑन अप्रूवल बेसिस यानी कि सेक्शन नंबर हमारा काम करता है 24। मोहन सोल्ड गुड्स वर्थ रुपीज 2 लाख टू मुंजा ऑन सेल ऑन अप्रूवल या रिटर्न बेसिस एज पर द टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। मुंजा इज अलाउड 2 वीक्स टाइम टू रिटर्न द गुड्स। 2 वीक का टाइम दिया गया था, गुड्स पसंद आए तो रखना, नहीं तो वापस करना। एंड इफ ही फेल्स टू रिटर्न इट विल बी डीम्ड दैट ही हैज बॉट द गुड्स, कि उसने गुड्स को खरीद लिया है। बट बिफोर एक्सपायरी ऑफ 2 वीक मुंजा ने उन गुड्स को प्लेज कर दिया है आगे किसके पास में? श्रवण के पास में। एंड उससे बोरो कर लिया है ₹1 लाख, ठीक है, ऑन द सिक्योरिटी ऑफ द गुड्स। यानी अप्रूवल बेसिस पे जो गुड्स आपने लिए 1 वीक के लिए, उससे पहले पहले ही आपने 2 वीक्स के लिए, और उस टाइम के अंदर ही आपने उन गुड्स को आगे प्लेज पर रख दिया है। अब यहाँ पे आपसे पूछा गया स्टेट राइट एंड ऑब्लिगेशन ऑफ ऑल दी पार्टीज, बोले तो मोहन के, बोले तो मुंजा के, और श्रवण के राइट्स क्या रहेंगे। और साथ में ये भी आपको बताना है कि इस सिचुएशन के टाइम पे कौन माना जाएगा गुड्स का ओनर, बराबर। तो सेक्शन नंबर 25 के प्रोविजन बचे लोगों, सेल ऑन अप्रूवल बेसिस आ गया। किस कंडीशन में हम ये मान लेते हैं कि ओनरशिप का ट्रांसफर हो गया होगा? नंबर 1, जब ही यहाँ पे अप्रूवल बेसिस पे जिसने लिया, या तो उसने गुड्स पर अपना अप्रूवल दे दिया हो, या एक्सेप्टेंस दे दिया हो, या कुछ ऐसा कर दिया हो जिससे वो ट्रांजेक्शन मान लिया जाए अडोप्टिंग, हाँ भाई आपने अडोप्ट कर लिया है ना, जैसे उस टाइम पीरियड में आपने गुड्स को प्लेज पे रख दिया, किसी को गिफ्ट कर दिया, ऐसा कुछ भी। तो इफ इट डज नॉट सिग्निफाइज अप्रूवल और एक्सेप्टेंस टू द सेलर बट रिटेन द गुड्स, आपने गुड्स को अप्रूवल तो नहीं दिया लेकिन आपने बिना रिजेक्शन का नोटिस दिए, सामने वाले को बोला नहीं कि मैंने गुड्स रिजेक्ट कर दिए, और आपने उनको अपने पास में रख लिया, ठीक है, अगर एक फिक्स टाइमिंग वहां पे है तो। ऑन द एक्सपायरेशन ऑफ सच टाइम, और जैसे ही वो टाइम खत्म होगा वो गुड्स आपके मान लिए जाएंगे। और अगर कोई टाइम फिक्स नहीं था तो रीजनेबल टाइम तक आपको गुड्स को वापस से रिटर्न कर देना चाहिए था या नोटिस दे देना चाहिए था, रीजनेबल टाइम, नहीं तो भी गुड्स का ओनरशिप बायर के पास में आ जाएगा, ठीक है। या ही डज समथिंग टू बी गुड विच इज इक्विवेलेंट टू एक्सेप्टिंग द गुड्स, जैसा भी आपको मैंने कहा कि आपने कुछ ऐसा कर दिया जिससे ये पता लग जाए कि गुड्स को एक्सेप्ट कर लिया गया, प्लेज पे रख दिया, रीसेल कर दिया, ऐसा कुछ भी, ठीक है, बहुत आसान सी बात है। यहां तक बच्चे लोगों आपको बताए गए हैं, ये यहां से यहां तक जो आप देख रहे हो, यहां हमने आपको बता दिया क्वेश्चन का डिटेल। फाइनल आंसर क्या दिया वो देखिएगा। हेयर एज पर द क्लॉज ऑफ अबव सेक्शन, मुंजा डज एन एक्ट ऑफ प्लेजिंग गुड्स टू थर्ड पार्टी श्रवण विच इज इक्विवेलेंट टू एक्सेप्टिंग द गुड्स। ये जो हमारा लास्ट पॉइंट था ना, कि भी आपने कुछ ऐसा कर दिया जिससे ये मान लिया जाए कि आपने गुड्स को अडॉप्ट कर लिया, तो किसी को प्लेज पर देने का मतलब ये है कि आपने गुड्स को अडॉप्ट कर लिया है, ठीक है ना। अभी मुंजा उन गुड्स का ओनर मान लिया जाएगा, बट ऑब्वियस है, पर मोहन जो हमारा मेन सेलर है वो इन गुड्स का प्राइस मुंजा से रिकवर कर सकता है। जहां तक श्रवण की बात है, उसके पास गुड्स प्लेज पे है, उसने पैसा उधार पे दिया है, तो श्रवण उन गुड्स को उस वक्त तक रख सकता है जब तक उसका लोन अमाउंट या इंटरेस्ट अमाउंट नहीं चुका दिया जाए। प्लेज पर रखने का मतलब ये होता है कि आपके पास में स्पेशल प्रॉपर्टी है और आप गुड्स को अपने पास में रिटेन करके रख सकते हो, तो ये श्रवण के राइट्स भी यहां हमने पढ़ लेंगे, बराबर। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, एकदम बढ़िया क्वेश्चन है। तो ये हमारा सेक्शन 24 का अप्रूवल बेसिस का एक क्वेश्चन यहाँ पे इस तरह से बन सकता है। चलिए नेक्स्ट पे आपको लेके चलता हूं बच्चों। लक्ष्मी वेंट टू अ शॉप एंड आस्क्ड फॉर एप्पल आईफोन 12। अभी तो आगे भी आगे फोन, मेरे ख्याल से 13 प्रो मैक्स बहुत सारे आगे, बराबर। द शॉपकीपर सेड दैट इट्स प्राइस इज 89,000, ठीक है भाई। अब लक्ष्मी आस्क द शॉपकीपर टू शो हिम द फोन, फोन
दिखाइए ये उसने कहा शॉपकीपर टू शो हिम द फोन फर्स्ट सो दैट शी कैन डिसाइड टू बाय और नॉट टू बाय। भाई आप फोन दिखाओ तो सही, तो मैं सोचू खरीदना है कि नहीं खरीदना है। शॉपकीपर ने उसको फोन दिया कि लो मैडम देख लो बराबर। एंड व्हाइल ही वॉज, अच्छा ही वॉज है भाई सुनिएगा भाई, ही वॉज है, मैंने शी वॉज कर दिया लगता है। जब ही उसने देखा, शी ही है भाई, भाई लक्ष्मी नाम जो है वो मेल का भी होता है ना, लक्ष्मी नारायण मित्तल आप लोगों ने सुना हुआ है, तो फीमेल का तो ही है बराबर। ये जो यहाँ पे कैरेक्टर है मेरे ख्याल से ऊपर अपन ने शी कैन डिसाइडेड टू बाय लिखा है, तो यहाँ मिसप्रिंट हो गया, इसको शी करिएगा। शी वॉज लुकिंग इन टू द फोन, जब भी वो फोन को चेक कर रही थी और एग्जामिन कर रही थी फंक्शन का, एंड ऑल पर्सन स्टैंडिंग नेक्स्ट टू हिम, जो भी लोग उसके पास में जो कोई पर्सन खड़ा होगा, स्नैच द फोन, उसने फोन को उसे छीन लिया एंड रेन अवे, और वहां से भाग गया। लॉ कहता है हु शुड बियर द लॉस इन दिस केस। बच्चों चैन स्नैचिंग तो आपने सुना हुआ है ना, पैसे इधर फोन को छीन लिया गया, यानी आप एक मोबाइल शॉप के अंदर हो, सेलर ने आपको फोन दिया है, आप फोन को एग्जामिन कर रहे हो, पास में कोई बंदा खड़ा है, वो फोन को छीन करके भाग जाता है और आपसे पूछा जाता है बताओ लॉस कौन बियर करेगा। क्या ये कहा जाए लक्ष्मी जी आपने ढंग से फोन को संभाल के नहीं रखा था, आपके हाथ में था, यू आर रिस्पॉन्सिबल बराबर, या ये रिस्पॉन्सिबिलिटी सेलर की ही बनेगी। आइए इस पर हमारा सेक्शन नंबर 26 क्या कहता है, जो बात करता है रिस्क किसकी होगी इस केस में। तो अनलेस अदरवाइज एग्रीड द गुड्स रिमेन एट द सेलर रिस्क अंटिल द प्रॉपर्टी देयरिन इज ट्रांसफर्ड टू द बायर, जब तक ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हो बायर को तब तक सेलर का रिस्क है। लेकिन जब ये प्रॉपर्टी बायर को ट्रांसफर हो गया तो सारी की सारी गुड्स बायर की होती है, चाहे गुड्स का डिलीवरी हुआ हो या ना हुआ, ये हमने पढ़ा था। बट वन ऑफ द एक्सेप्शन टू द अफोरसेड रूल सेज द ड्यूटी एंड लाइबिलिटीज ऑफ द सेलर और बायर, बच्चों समझना, एज बेली ऑफ द गुड्स फॉर द अदर पार्टी रिमेन अनइफेक्टेड इवन वेन द रिस्क हैज पास्ड जनरली। बहुत कॉमन सा पॉइंट था बच्चे लोगों, गुड्स का ओनरशिप अगर बायर के पास है लेकिन पजेशन सेलर के पास है, सेलर की ड्यूटी बनेगी बच्चे लोगों एज अ बेली, है ना। सेम उसी तरह से गुड्स का ओनरशिप भले सेलर के पास है लेकिन गुड्स अभी पजेशन बायर के पास है, तो बायर का भी ड्यूटी बनता है एज बेली, आपको गुड्स का लुक आफ्टर करना चाहिए। ये सेक्शन 26 में हमने पढ़ा है बराबर, कि एक्सेप्शंस में लिखा हुआ है कि भले ही ओनर सेलर या बायर है लेकिन अदर पार्टी अगर गुड्स को अपने पोजीशन में रख रही है तो आपकी ड्यूटी बनती है कि आप गुड्स को प्रॉपर लुक आफ्टर करोगे, एज अ बेली उनको सेव करोगे, ये आपका ड्यूटी बनता है, ठीक है। फिर हमने यहाँ पे आपको क्वेश्चन के बारे में बता दिया कि लक्ष्मी मोबाइल शॉप पे गई, एप्पल आईफोन उसने डिमांड किया, शॉपकीपर ने प्राइस बताया, उसने फोन दिखाया बराबर, और जब भी उसको दिखा रहा था एक पर्सन वहां पे फोन को लेकर के वहां से भाग गया है, ये यहां लिखा गया है। अब सवाल है बच्चे लोगों रिस्क कौन उठाए, तो लक्ष्मी ने अभी तक फोन को परचेज नहीं किया है ना, और जो चोर छीन करके लेके गया तो ओनर अभी इसका कौन है, सेलर ही है ना, तो रिस्क रिलेटेड टू द फोन लाइज विद द शॉपकीपर, ये अपने को ध्यान में रखना है। ऑल्सो लक्ष्मी इज एज अ बेली हैज टेकन प्रॉपर केयर ऑफ द फोन बराबर से। हालांकि एक बात जरूर है कि लक्ष्मी को यहाँ पे फोन का केयर करना चाहिए था, लेकिन सिचुएशन आप देख रहे हो यहाँ पे केयर जैसा कुछ है नहीं भाई, आप सेलर की शॉप के अंदर ही खड़े हुए हो, फोन आपके हाथ में है, तो आपके हाथ से छीन करके कोई भाग करके लेकर के निकल जाए बराबर से, तो बट ऑब्वियस है यहाँ पे बेली माना बेली है लक्ष्मी, लेकिन उसका उतना रेस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे नहीं बनेगा। दस बींग द ओनर ऑफ द फोन, फोन का जो ओनर है वो कौन है, शॉपकीपर है, इज लाइबल टू बियर द लॉस ऑफ द फोन, ये अपने को ध्यान में रखना है। हमने लिख जरूर दिया कि लक्ष्मी को एज अ बेली गुड्स का प्रॉपर केयर करना चाहिए था, पर अगर प्रॉपर केयर किया है तो इसमें प्रॉपर केयर तो आपको याद है टेस्ट में अपन लोगों ने क्वेश्चन किया था जिसमें फाइंडर ऑफ लॉस गुड्स ने कार का डोर ऊपर रख दिया था और अपन ने उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनाई थी, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ सीन दिखता नहीं है। जब आप फोन देख रहे हैं तो कैजुअली जैसा कोई भी पर्सन देखता है पर कोई हाथ से छीन करके निकल जाए तो वो किसी भी कॉमन मैन के साथ ही सिचुएशन हो सकती थी, इसीलिए यहाँ पे लक्ष्मी का रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बना और रिस्पॉन्सिबिलिटी सारा शॉपकीपर का बनने वाला है, ये अपने को ध्यान रखना है बराबर। बहुत सिंपल सी बात है। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चे लोगों। A customer went into a shop and asked for pure cotton cloth for his 2-year-old kid. यानी एक कस्टमर शॉप में आ रहा है और शॉपकीपर को आपने अपना पर्पस बता दिया है, समझिएगा। Showed him और शॉपकीपर, the shopkeeper showed him 3-4 different type of dresses उसने दिखाया and he chooses one of the dress. एक ड्रेस जो कस्टमर है उसने पसंद किया। Later on, it turns out to be not of the size of 2-year kid but suitable for 1-year kid only. Later on का मतलब लेके चला गया होगा,
पर जाने के बाद उसको पता लगा, लेके घर गया होगा, पहना के देखा होगा, तब पता लगा कि अरे तो 2 साल के बच्चे का ही नहीं है, तो 1 साल के बच्चे का है। नाउ कस्टमर वापस आता है, ड्रेस को वापस करके अपना पैसा वापस लेना चाहता है, कैन ही रिटर्न इट, क्या वो ऐसा कर सकता है क्या? अब बच्चे लोगों को क्या करें? देखिए कॉमन कंसेप्ट बायर दी अवेयर की बात तो करता है, लेकिन आप ये भी जानते हैं कि जब आपने सेलर पर भरोसा कर लिया है, जब आपने सेलर को अपना पर्पस बता दिया है, सेलर के स्किल और जजमेंट पर आपने भरोसा कर लिया है बराबर, तो उस केस में इंप्लाइड कंडीशन लग जाती है कि गुड्स मस्ट बी अकॉर्डिंग द क्वालिटी एंड फिटनेस, जो है वो बिल्कुल वैसे होना चाहिए जैसा पर्पस था। आइए चेक करते हैं। एज अ जनरल रूल इट इज द ड्यूटी ऑफ द बायर टू एग्जामिन द गुड्स थोरली, अपने पढ़ा हुआ है, बिफोर ही बायस देम इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई हिमसेल्फ दैट द गुड्स विल बी सुटेबल फॉर हिज पर्पस, जिसके लिए वो खरीद रहा है। इसको हम केवे डेम्पर के नाम से जानते हैं, बायर दी अवेयर। आगे बढ़ते हैं। According Section 16, Sale of Goods Act, subject to the provision of this Act or any other law for the timing in force, there is no implied warranty or condition as to quality or fitness for any particular purpose. बच्चों समझना, under contract of sale, बराबर। वैसे जब आप goods को purchase करने के लिए जा रहे हो तो responsibility buyer की ही बनती है, buyer खुद ही चीजों को check करता है। लेकिन Where the buyer makes known to the seller of his particular purpose, जब आपने सेलर को अपना पर्पस बता दिया गया, बता दिया हो जिसके लिए आपको गुड्स चाहिए, and as to show that he relies on the seller skill and judgment, अब आपके दिमाग में आएगा सर वो बच्चे को पहना के देख लेता उसी वक्त में, आप क्वेश्चन को समझो ना, अगर ऐसा होता तो केस करने की जरूरत क्या पड़ती? इसका मतलब हो सकता है बच्चा साथ में नहीं है, पर आपने सेलर को जाके बोला कि भाई साहब मेरा 2 साल का कोई बच्चा है या जिसका भी रहा होगा, तुमको गिफ्ट करना रहा होगा, जो भी कुछ होगा मुझे उसके लिए गिफ्ट करना है, तो आप अच्छा सा दिखा दो, आप 2-3-4 ड्रेसेस दिखाए आपने, उसमें से सेलेक्ट कर लिया, अब पता लगता है कि वो 2 साल के बच्चे का तो है ही नहीं, तो आपने रिलाय किया सेलर के स्किल और जजमेंट पे, एंड द गुड्स आर एट द डिस्क्रिप्शन विच इन द कोर्स ऑफ सेलर बिजनेस और सप्लाई, बराबर से, और गुड्स वही है जिनमें हमारा सेलर जो है वो डील करता है। खास बात क्या कि वही गुड्स है तो सेलर डील करता है, तो मस्ट बी अकॉर्डिंग टू डिस्क्रिप्शन भी होना चाहिए, है ना। इट इज ड्यूटी ऑफ सेलर टू सप्लाई सच गुड्स जो रीजनेबली फिट हो फॉर द पर्पस ऑफ द बायर, ये ड्यूटी बनता है उसका जो उसने यहां पे पूरा नहीं किया। इन द गिवन केस अ कस्टमर वेंट इनटू शॉप एंड आस्क फॉर प्योर कॉटन क्लोथ फॉर हिज 2-year-old, ये तो बच्चे क्वेश्चन समझा दिया अपने, वापस पूरा का पूरा क्वेश्चन वापस लिख दिया। फाइनल आंसर देखो, केवीए डेम्पटर का रूल इधर अप्लाई होने वाला नहीं है। As the customer has told his purpose, उसने अपना पर्पस बता दिया, डिस्क्रिप्शन दे दिया कैसे क्लोथ है, और शॉपकीपर पर उसके जजमेंट पर आपने भरोसा किया, शॉपकीपर ने डिफरेंट क्लोथ दे दिए, the buyer can avoid the contract. Avoid the contract का मतलब कुछ को रिटर्न कर सकता है, अपना पैसा वापस ले सकता है, ये आप लोग को ध्यान में रखना चाहिए, बराबर। क्या कहते हो, समझ में आया आप लोग को मेरा बात? बहुत सीधा सीधा सा बात है बच्चे लोगों, यहाँ पे कि जहां पे आप सेलर का स्किल और जजमेंट पे भरोसा कर लेते हो वहां पे केवे डेम्पटर नहीं लगेगा, और वहां पे आप सेलर को रिस्पॉन्सिबल कर दोगे, यानी गुड्स को वापस से रिटर्न करके हमारा पैसा हम वापस ले सकते हैं। चलिए फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों को। आगे लिखा है ए वन ट्रेडर इज अ टिम्बर मर्चेंट हैज रिसीव्ड ऑर्डर फ्रॉम इंडियन रेलवे से, इसको एक ऑर्डर आया है और सप्लाई करनी है टिम्बर टू बी यूज एज रेलवे स्लीपर, समझ रहे, रेलवे स्लीपर के लिए उसके पास ऑर्डर आया, रेलवे स्लीपर्स के लिए जो लकड़ी लगेगी स्लीपर बनाने के लिए उसके लिए आपको गुड जो है वो सेल करना है, टिम्बर सेल करना है। A1 ट्रेडर्स, अच्छा नाम ये, A1 ट्रेडर्स सप्लाइज द टिम्बर एज पर ऑर्डर, बट लेटर ऑन इट वॉज डिस्कवर्ड दैट द टिम्बर वॉज सुटेबल फॉर द पर्पज ऑफ अनसुटेबल फॉर द पर्पज ऑफ स्लीपर्स। क्या बात है भाई, हमने उसे कहा था वो टिम्बर देना जो रेलवे स्लीपर्स के लिए सुटेबल हो, लेकिन सप्लाई होने के बाद पता लगा वो सुटेबल नहीं है। क्या यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट में गुड्स रिजेक्ट हो सकते हैं क्या, बताइए? ये भी क्वेश्चन बच्चे लोगों बिल्कुल हमारे ऊपर वाले क्वेश्चन से मैच करेगा, क्वालिटी एंड फिटनेस। अब एज वेल एज बच्चे लोगों यहाँ पे डिस्क्रिप्शन की बात भी मैं कर सकता हूं। जब आपको पर्पस बता दिया गया है रेलवे स्लीपर, क्लियर पता लग रहा है रेलवे की तरफ से ऑर्डर आया है और आपको डायरेक्ट ऑर्डर दे दिया गया, इसका मतलब उन्होंने सेलर का स्किल और जजमेंट के ऊपर किया है भरोसा, समझ रहे हैं ना आप? देखो क्वेश्चन से पता लग रहा है कि आपने सीधा बता दिया कैसे गुड्स चाहिए और सेलर की स्किल पे आप भरोसा कर रहे हैं ना। कई लोगों को लगेगा सर ये डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग इसका आंसर क्यों नहीं गया, बच्चे लोग डिस्क्राइब तो सेलर करता है,
कि मेरे पास ऐसे गुड्स है तो गुड्स मस्ट बी अकॉर्डिंग टू डिस्क्रिप्शन होना चाहिए। यहाँ पे बायर ने अपनी तरफ से अपना डिमांड बता दिया और सेलर की स्किल पे भरोसा किया कि भी हमने चेक तो किया नहीं, हमने सेलर का स्किल पे भरोसा किया कि भी हमको इस तरह का आप सप्लाई करोगे। अब अगर वैसा गुड सप्लाई नहीं होता है तो बच्चों फर्स्ट पैराग्राफ तो वही है जो ऊपर वाले क्वेश्चन का था, फिर हमने सेक्शन 16 पूरा समझा दिया बच्चों, सेम ऊपर वाले क्वेश्चन का पूरा पार्ट हमने दे दिया, फिर हमने यहाँ पे क्वेश्चन समझा दिया, फाइनल आंसर आप मेरे साथ चेक करो। The rule of KV Ramkar would not apply as the Indian Railway have communicated the purpose for which the timber is purchased. हमने आपको अपना पर्पस बताया, साथ में rely किया supplying the same quality which means there was an implied condition to supply the same quality timber. हमने आप पे भरोसा किया, लेकिन उन्होंने different timber यहाँ पे दे दिया तो but obvious है implied condition quality और fitness वाली हमारी यहाँ पे break हो गई है और railway can reject the goods and avoid the contract, पैसा पूरा वापस ले सकती है railway चाहे तो, बराबर ये अपने को ध्यान में रखना है। तो सीधा सीधा सा हमारा अगेन वही वाला प्रोविजन लगेगा सेक्शन 16 के हिसाब से हमारा क्वालिटी और फिटनेस, बराबर। नेक्स्ट पे बात करें, लालमन सोल्ड हिज सेकंड हैंड कार टू धर्मदास सेइंग दैट द कार इज इन गुड कंडीशन। क्या बात है, लालमन ने कार बेची है धर्मदास को, उसको बोला है कार गुड कंडीशन में है, लेटर बाद में पता लगता है कि कार वॉज नॉट इन वर्किंग कंडीशन, कार अच्छी कंडीशन में है ही नहीं। ठीक है भाई, कंडीशन ब्रेक है, डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग गुड्स नहीं, आपको कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करने का राइट है, क्लियर पता लग रहा है बच्चे लोगों, लेकिन आगे बढ़ो। लालमन ने ऑफर किया टू पे ऑल द एक्सपेंसेस ऑफ रिपेयरिंग ऑफ द कार एंड आस्क धर्मदास टू गेट द कार रिपेयर टू विच धर्मदास ऑल्सो एग्री। ठीक है भाई, लालमन ने उसको ऑफर किया कि एक काम करते हैं ना यार, कॉन्ट्रैक्ट को काहे कैंसिल करते हो, मैं इसको रिपेयर करा देता हूँ, सारा खर्चा भी मैं बियर करने को तैयार हूँ, ठीक है तुम दे दो इसको रिपेयर में। धर्मदास यानी बाहर इसके लिए रेडी हो गया। After repairing the car again showed some fault और now धर्मदास now requested लालमन to get back the car and give back his money। यार पैसा मेरा वापस कर दो, तुम कार रख लो, रिपेयर भी करवा लिया लेकिन कार ठीक नहीं हुई है, क्या धर्मदास यहाँ पे ऐसा कर सकता है क्या? बच्चे लोगों सेम पॉइंट हम लोगों ने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट में पढ़ा है, आपको याद है ना वो जंतर मंतर वाला हमारा एक क्वेश्चन था, चाहे बाइक मैंने आपको सेल करी है, बाइक में डिफेक्ट से आप वापिस आए, मैंने अच्छा बताया था वापिस आए फ्रॉड के बेस पे या मिस रिप्रेजेंटेशन के बेस पे, मैंने रिक्वेस्ट किया या सूरज वाला क्वेश्चन भी था कि 60-40 अपन डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं एक्सपेंडिचर, पर आप एग्री कर गए, मतलब आपने गुड्स पर अपना एक्सेप्टेंस दे दिया। हालांकि यहाँ सारा 100% खर्चा जो है वो देने को तैयार है कौन, हमारा सेलर, ये लिखा है ना ऑफर टू पे ऑल द एक्सपेंसेस फॉर रिपेयरिंग, लेकिन आपने कॉन्ट्रैक्ट को एक्सेप्ट तो कर लिया है जबकि आपको रिजेक्ट करने का राइट था। तो याद करो अपन ने पढ़ा था कि या तो एक्सेप्ट करोगे या रिजेक्ट करोगे, कुछ भी एक कर लिया आपने, एक्सेप्ट कर लिया तो फिर रिजेक्शन का पावर गया। तो देखते हैं कि सोगा में इसका आंसर कैसे जाएगा बच्चे लोगों। सबसे पहले सेक्शन नंबर 13 से शुरू किया, वेयर अ कॉन्ट्रैक्ट इज सेल इज सब्जेक्ट टू एनी कंडीशन टू बी फुलफिल बाय द सेलर, द बायर मे वेव द कंडीशन और इलेक्ट ट्रीट द ब्रीच ऑफ कंडीशन एज ब्रीच ऑफ वारंटी। तो पहले तो ये पहचानो कि आंसर बना कहां से, ब्रीच तो कंडीशन हुई है, लेकिन चूंकि अब आपको कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करने का राइट नहीं, ज्यादा से ज्यादा डैमेजेस दे सकते हो, इसका मतलब आप ब्रीच ऑफ कंडीशन को क्या मान रहे हो, ब्रीच ऑफ वारंटी मान रहे हो, है ना। फिर यहां से यहां तक तो चलो हमने क्वेश्चन समझा दिया बच्चों, लास्ट पैरा पढ़ते हैं जो सबसे शानदार है। हेयर वर्किंग ऑफ द कार वॉज एन एसेंशियल कंडीशन फॉर परचेजिंग द कार, क्लियर बात है, बट सिंस इट वॉज नॉट इन द कॉन्ट्रैक्ट, भले ही कॉन्ट्रैक्ट में नहीं भी हो बच्चे लोगों, लेकिन इम्प्लाइड कंडीशन रहती है। अच्छा एक लाइन में स्किप कर गया, सिंस इट वॉज नॉट इन अ वर्किंग कंडीशन there is a breach of condition on the basis of Dharamdas has a right to avoid the contract। बच्चों essential चीज कार में यही होगी कि working होनी चाहिए, अगर working नहीं है तो condition break है और ऐसे में यहाँ पे Dharamdas को contract को cancel करने का right है, clear है। But Dharamdas agreed with Lalman to get the car repaired and expenses for repairing can would be paid by Lalman। वो समझ में आया, चलो सेलर ने ही सारा का सारा दिया होगा, सेलर ने किया ना, खर्चा किसने किया, सेलर ने किया। Which means धर्मदास has agreed to treat breach of condition as breach of warranty। बच्चों समझ लो, वारंटी में अपन क्या करवाते हैं, रिपेयर करवाते हैं, रिप्लेस करवाते हैं सामने वाले से, तो आपने वही तो करवा लिया। आपको जब कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करने का राइट था लेकिन आपने सामने वाले को गुड्स रिटर्न कर दिए कि अच्छा चलो रिपेयर करके दे दो, इसका मतलब क्या हुआ, आपने कंडीशन ब्रेक को क्या मान लिया बच्चे, वो वारंटी ब्रीच। समझ में आया, कैंसिल करने का राइट भी इसका मतलब आपको मिल गया, बहुत सीधा सीधा सा भाई, इसको क्या हो गया, बाहर आ गया। चलो वापस चलते हैं क्वेश्चन पे। तो आपने कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करने की जगह रिपेयर एक्सेप्ट करके एक्सेप्टेंस दे दिया, तो भाई आपके हाथ से राइट गए, वेव्ड इज राइट टू कैंसिल द कॉन्ट्रैक्ट, क्लियर बोल दिया, और आपने वो डैमेजेस एक तरह से एक्सेप्ट कर लिए।
तो अभी आप यहाँ पे cannot legally avoid the contract, contract को cancel नहीं कर सकते हो, अपने को ध्यान में रखना पड़ेगा, बराबर। बहुत सिंपल है, समझ आया। चलिए बच्चे लोगों, आखिरी क्वेश्चन, मैंने कहा ना बहुत छोटा सा पोर्शन आज हम लोग कर रहे हैं, थोड़ा क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो जाए आप लोगों की। रघु एंड ढोकरा जॉइंटली ओन अ पर्टिकुलर एसेट, दोनों के पास ज्वाइंट एसेट है, विच वॉज बॉट बाय देम 5 years बिफोर, 5 साल पहले खरीदा था। रघु वॉज इन पोजिशन ऑफ द एसेट फॉर लास्ट फ्यू मंथ। रघु के पास, देखो रघु ढोकरा दो मालिक है, और सभी खाली रघु के पास है, थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन समझ में आ रहा है। रघु ने वो एसेट सेल कर दिया विदाउट आस्किंग ढोकरा, यानी अपना जो साथ में जो को ओनर था उसको बगैर पूछे एसेट को सेल कर दिया। नाउ अभी जो हमारा दूसरा ओनर है ढोकरा, वो ऑब्जेक्ट करता है सेल के ऊपर, तो क्या यहाँ पे बायर को गुड टाइटल मिलेंगे क्या? बच्चे लोगों याद आया, नेम डेट को डॉन हैबिट, नो वन कैन ट्रांसफर बेटर टाइटल एज ही हिमसेल्फ एज। लेकिन अगर एसेट के ज्वाइंट ओनर्स हो और एक ओनर जिसके पोजिशन में गुड्स है वो सेल कर दे और खरीदने वाले ने गुड फेथ में परचेस कर लिए, तो बायर को गुड टाइटल मिलेगा, एक्सेप्शन में हम लोग ने पढ़ा है। क्या कहते हो? अकॉर्डिंग टू सेक्शन 27 सब्जेक्ट टू प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट, वेयर गुड्स आर सोल्ड बाय पर्सन, जो ओनर नहीं है तो उनको सेल भी नहीं कर सकता है, और बायर को यहाँ पे कोई बेटर टाइटल नहीं मिलेंगे। बच्चे लोगों यहां तक तो अपन ने स्टार्टिंग पॉइंट समझा दिया, क्योंकि आपका जो नेम डेट का था, नो वन कैन ट्रांसफर बेटर टाइटल एज ही हिमसेल्फ एज, बट देयर आर, यहां से मेन चीज, सर्टेन एक्सेप्शन टू दिस रूल, और वो दिया है सेक्शन 28 में। एक्सेप्शन के अंदर ज्वाइंट ओनर अगर गुड्स को सेल करता है, वन ऑफ द सेवरल ज्वाइंट ओनर ऑफ द गुड्स जिसके सोल पोजिशन में गुड्स है विद द परमिशन ऑफ अदर ओनर, है ना, एंड द प्रॉपर्टी इन द गुड्स इज ट्रांसफर टू एनी पर्सन हु बाइज देम with such joint owner in good faith and not at the time of contract of sale, कि भी सेलर के पास ऑथोरिटी है नहीं, बेचारे को पता ही नहीं था कि इसका कोई ओनर और भी है, और उसने अगर परचेस कर लिया तो आप जानते हो ओनरशिप उसको मिल जाएगी, ठीक है ना। यहां से यहां तक तो हमने फिर से क्वेश्चन समझा दिया पूरा का पूरा। फाइनल आंसर देखो बच्चे लोगों, here being an exception to the rule as mentioned aforesaid, exception हो गया, रघु has authority to sell the asset held jointly with Rokhda, रघु ने बेच दिया है, determining that he was possession of the asset with the consent of the Rokhda and buyer has bought the assets in good faith, same बात हो गई बच्चों, आपने joint possession में goods को रखा हुआ है, आपने goods को sale कर दिया है, खरीदने वाले ने good faith में purchase कर लिया है, तो ownership का transfer उसको हो गया, the buyer will be conveyed a better title of asset by Raghu and Rokhda इसमें किसी तरह का objection नहीं कर सकता है। अब खास बात ये जो आप हमेशा पूछते हो, सर अभी रोकना क्या करेगा? भाई वो रघु से रिकवर कर लेगा जो भी उसको रिकवर करने का अमाउंट, जो भी जितने में सेल किया उसका जो पार्ट रिकवर करना है तुम करो। लेकिन बच्चे लोगों इस पर जनरली क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि आपका सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट जितना पूछे ये टॉपिक ही पूरा बायर्स के टाइटल की बात करता है, तो तुमको आगे आंसर और बढ़ाना नहीं है कि एक लाइन और डाल दिया गया रोकड़ा हैव राइट टू रिकवर अमाउंट फ्रॉम रघु, क्यों लिखना है अपने को? अपने को जब भी क्वेश्चन में पूछा इतना ही है, जितना पूछे उतना आंसर देना है। विल द बायर गेट टाइटल टू द गुड्स? यस, बायर विल गेट अ गुड टाइटल टू द गुड्स, क्योंकि एक्सेप्शन के अंदर ये चीज कवर है, अपने को ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है बच्चे लोगों, बराबर। तो ये कुछ क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे लिए हैं, बहुत दिन हो गए थे हम लोगों ने अपने क्वेश्चंस का प्रैक्टिस नहीं किया था, मैंने कहा चलो भाई आपसे वापस शुरू करते हैं हमारी प्रैक्टिस, तो ये हमने कुछ क्वेश्चंस का प्रैक्टिस किया है, इसको जरूर देख लीजिएगा, अच्छे से देख लीजिएगा, कोई फ्रेंड ने नहीं देखा है तो उसके साथ शेयर करिएगा, जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी करके रखना, क्योंकि दिसंबर नजदीक आ रहा है, बहुत सारी चीजें इसी चैनल पर आपको मिलने वाली है, तो नहीं किया हो सब्सक्राइब तो करके रखना, ताकि नोटिफिकेशन आपको प्रॉपर तरीके से मिल सके, ठीक है, इतना करिए। सेकंड पार्ट में जल्दी आप लोगों से फिर मुलाकात होगी, ओके बच्चे लोगों, बाय, टाटा, टेक केयर, बाय।